हेलो एंड वेलकम टू मलूका आईएएस। बहुत कम टाइम होता है कि वीडियो बनाते हुए खुशी होती है, नहीं तो आजकल तो डिजास्टर्स की ही बात चलती है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर न्यूज वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ आर वेरी ओन मनु बखेर, द गर्ल फ्रॉम हरियाणा हु हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड। अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि उन्होंने खुद के लिए एक इंडिविजुअल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और अब मिक्स इवेंट में भी उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है अलोंग विद सरबजोत सिंह। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एन इंडियन हैज बीन एबल टू मेक दिस अचीवमेंट ऑफ विनिंग टू मेडल्स इन द सेम ओलंपिक इवेंट। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेट्स गो बैक द मेमोरी लेन एंड लेट्स टॉक अबाउट एंड सेलिब्रेट अ लॉट ऑफ दीज एथलीट्स जिन्होंने ओवर एंड ओवर अगेन इंडिया को फोर फ्रंट पे लेकर आए हैं और ओलंपिक्स में जिन्होंने मेडल्स अचीव किए हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू मेक अ सिंपल अनाउंसमेंट। मलूका आईएएस हैज कम अप विद अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जहां पे AIR 58 वैभव आनंद शर्मा आपके साथ बैठ के आपके सारे प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे और साथ ही साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे ऑन एथिक्स एज वेल एज एसे राइटिंग। एंड व्हाट्स मोर, दिस इज गोइंग टू हैपन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ ऑफ ऑगस्ट, ओनली एंड ओनली ऑन द मलूका आईएएस एप्लीकेशन। सो डू नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी एंड डाउनलोड आर मलूका आईएएस एप्लीकेशन टुडे एंड रजिस्टर फॉर दिस क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट। Now let's talk about this historical event. This girl has proven that with determination and hard work, nothing is impossible. She has not only made her family, Haryana, proud, but she has made everyone in India proud. And इस टाइप की न्यूज बहुत ज्यादा जरूरी होती है हमारी हौसला अफजाई के लिए और स्पेशली उन एथलीट्स के लिए या वो प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी ड्रीम है टू वन डे गो इनटू द ओलंपिक्स। यू सी, अभी तक अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा इंडियन नहीं था जिसने सेम ओलंपिक इवेंट में दो दो मेडल्स हासिल किए। दैट इज हर अचीवमेंट। शी इज ऑल्सो गोइंग इनटू द थर्ड इवेंट एंड वेरी नाइसली शी टोल्ड अस थ्रू द मीडिया दैट इफ आई एम नॉट एबल टू डू दैट or bring the third medal, do not be disappointed in me. How can we be disappointed in such a lovely person and a person who has made sure that India makes a mark at this international event called the Olympics. साथ ही साथ ये भी सोचना चाहिए कि अच्छी बात है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है even in the field of sports. वो दिन दूर हो चुके हैं जहां पे लोग कहते हैं कि हमारे देश का जो टैलेंट है वो रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा। पूरी तरीके से तो शायद नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वी आर गेटिंग देयर। द गवर्नमेंट शुड डिसाइड एंड रियलाइज दैट टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में। कमी सिर्फ इतनी है कि कहीं ना कहीं उन छोटे छोटे बच्चों को जो कि फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं या शूटिंग बहुत अच्छा करते हैं, those kids are waiting for the government for the right kind of people to recognize them and give them that platform after giving them the proper training. In fact, Manika Batra bhi table tennis mein bahut acha unhone kiya. Unfortunately, she could not win the quarterfinals, but what a lovely match was played right there. Aur isi tarike se har ek kshetra mein, chahe wo Lakshya Sen ho, चाहे वो मनु बखेर हो, सरबजोत सिंह हो, ऑल ऑफ देम आर डूइंग वंडर्स। इनफैक्ट अ वेरी वेरी फनी एनेक्डोट दैट सरबजोत सिंह सेड राइट आफ्टर विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल, व्हेन ही कॉल्ड अप हिज मदर टू टेल हर दैट शी वाज बिजी डूइंग समथिंग एल्स एंड शी सेज बाद में बात करना। यस, सच लवली एनेक्डोट्स एंड सच ग्रेट इंडिविजुअल्स हु हैव ब्रॉट सो मच प्राइड in our minds and our heart. So let's try to understand or maybe utilize this lecture just to go down the memory lane and enjoy and relish and also celebrate the lives of the best
इन इंडिया। सो पहली चीज तो ये है कि मनु बकेयर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल पाया और मिक्स्ड इवेंट में भी अलोंग विद सरबजोत सिंह। सो दैट इज हर राइट एंड व्हाट अ लवली लवली इवेंट। दिस इज इंडिया सेकंड मेडल एंड दिस एंड द फर्स्ट टाइम दैट वन इंडिविजुअल्स गॉट टू मेडल्स एंड दिस वाज अलोंग विद सरबजोत सिंह द मिक्स्ड वाला इवेंट। अब पेरिस ओलंपिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये एकमात्र इवेंट है जो हर एक इंसान सोचता है कि जल्दी से आ जाए, राइट? अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक्स की तो उसमें इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि इस पेरिस ओलंपिक्स में हमारी मेडल टैली कहीं ना कहीं बढ़नी चाहिए भी और बढ़ेगी भी। सो पेरिस 2024 ओलंपिक्स इज ऑफिशियली नोन एज द 23rd ओलंपियाड। इट स्टार्टेड ऑन द 26th ऑफ जुलाई एंड इट विल गो अप टिल द 11th ऑफ ऑगस्ट। ऑफ कोर्स इट इज हैपनिंग इन पेरिस। बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हैं इसके साथ रिलेटेड, बट दैट ऑन अनदर डे। टुडे वी विल जस्ट फोकस ऑन द लवली एथलीट्स दैट इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड ओवर द इयर्स। द स्लोगन इज गेम्स वाइड ओपन। सस्टेनेबिलिटी के फैक्टर में भी एक कॉन्ट्रोवर्सी है वैसे, लेकिन पेरिस 2024 ओलंपिक्स के जो कन्वीनर्स हैं उन्होंने कहा है दैट दे हैव टेकन ऑल द स्टेप्स टू मेक श्योर दैट दिस पर्टिकुलर इवेंट इज सस्टेनेबल फॉर आर एनवायरमेंट। वो चीज के ऊपर फिर यू नो देर आर ट्रबल्स दैट द एथलीट्स आर फेसिंग इन द ओलंपिक विलेज दैट हैज बीन मेड बाय द कन्वीनर्स, बट वेल लाइक आई सेड दैट फॉर अनदर वीडियो। अब अगर हम लोग ये सारे के सारे इंटरट्वाइंड सर्कल्स की अगर हम बात करें विच इज पुट ऑन अ वाइट बैकग्राउंड, दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग ऑल द कलर्स ऑल द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो चलिए आइए लेट्स टॉक अबाउट द टोक्यो ओलंपिक्स और इवन ओलंपिक्स एज सच। सबसे पहला इंसान, सबसे पहला इंडियन टू गेट अ मेडल इन द ओलंपिक्स वॉज अ मैन कॉल्ड के डी जाधव, हु ऑल्सो गॉट अ ब्रॉन्ज मेडल एट द टाइम। अगर हम बात करें इंडिविजुअल स्पोर्ट की तो अभिनव बिंद्रा का नाम हमेशा हमारे दिमाग में आएगा एज द ओनली यू नो द फर्स्ट इंडियन, नॉट द ओनली द फर्स्ट इंडियन टू गेट एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। एंड वेल इफ यू टॉक अबाउट हाउ मेनी, इंडिया हैज वन 37 मेडल्स एट द ओलंपिक्स since the 1900 edition, which was the first one. So let's talk about our brilliant people. We can't possibly talk about everyone, but we are going to definitely discuss most of them. So Neeraj Chopra ka to naam aapne suna hi hoga, ye to jahan jaate hain kamaal hi karke aate hain, right? So javelin throw hai, gold medal inko mila tha, and he was the first Indian to win a gold medal in athletics. बिकॉज शूटिंग था ना अभिनव बिंद्रा का, दिस इज एथलेटिक्स। देन इज पीवी सिंधु, स्पोर्ट इज ऑफकोर्स बैडमिंटन, अगेन शी इज डूइंग फिनोमिनली वेल राइट नाउ, एंड वी कैन एक्सपेक्ट टू मोर मेडल्स फ्रॉम दीज टू इंडिविजुअल्स एंड मेनी अदर्स फ्रॉम अदर्स ऑल्सो, राइट? सो पीवी सिंधु स्पोर्ट इज बैडमिंटन, अगेन द मेडल इज ब्रॉन्ज, सेकेंड ओलंपिक मेडल फॉर सिंधु फॉलोइंग हर सिल्वर मेडल इन रियो। ये वाला मेडल इनको टोक्यो ओलंपिक्स में मिला था। इसके अलावा अगर हम बात करें लोवलीना, लोवलीना इज रिलेटेड टू द स्पोर्ट ऑफ बॉक्सिंग, अगेन गॉट अ ब्रॉन्ज मेडल, फर्स्ट फीमेल बॉक्सर फ्रॉम इंडिया टू विन एन ओलंपिक मेडल। रवि कुमार दया द स्पोर्ट इज रेसलिंग, राइट? गॉट अ सिल्वर मेडल, बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर मेडल इन रेसलिंग इन द ओलंपिक्स। कमाल है, यू नो इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी केवल इतनी है कि हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते प्रॉपरली ऑन टाइम, एंड उनको फिर नरिश नहीं कर पा सकते, ट्रेन नहीं कर पाते कभी कभार। तो ये वाली चीज को अब चेंज करना चाहिए। स्कूल्स कॉलेजेस में स्पोर्ट्स को एक रैंडम सब्जेक्ट ना मानते हुए एक बहुत इंटेग्रल सब्जेक्ट मानना चाहिए। और ये चीज कि भाई बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, अब गेम्स पीरियड नहीं होगा, स्पोर्ट्स को छोड़ दो, केवल इधर ही देखो, इस चीज को भी रोकना पड़ेगा, राइट? तभी जाके हमारी मेडल टैली और ज्यादा बढ़ेगी। सो मीराबाई चानू स्पोर्ट इज वेटलिफ्टिंग सिल्वर मेडल,
the first Indian weightlifter to win a medal in the Olympics since the 2000s. Then Bajrang Punia का नाम तो सबने सुना ही है, और हाल ही में यू नो जहाँ पे रेसलर के प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, तो विनेश फोगाट, राइट, साक्षी मलिक एंड बजरंग पुनिया वर एट द फोरफ्रंट विद अ लॉट ऑफ अदर्स. सो ही गॉट द ब्रॉन्ज मेडल एंड ही सिक्योर्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द 65 केजी कैटेगरी. नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सच हिस्टोरिक विन्स? द इम्पैक्ट इज दिस, दैट दिस इज बेसिकली, सबसे पहली बात तो इवन फॉर दोज हु आर नॉट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, दिस इज अ हिस्टोरिक मूवमेंट. एज एन इंडियन वी फील प्राउड. सेकेंडली वी रियलाइज कि अगर मेरे को एक बार सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ रूट के छोड़ के घर पे बैठ के कुछ और ही करने लग जाऊं. ऐसा अगर मनु बकेर ने किया होता तो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद ये पेरिस ओलंपिक्स में जाती ही नहीं. उनको नहीं मिला था कोई भी मेडल. एंड दिस इज प्राइमरीली फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो कि यू नो निराश हो जाते हैं आफ्टर अ नेगेटिव रिजल्ट. वेल, टेक दिस एज एन एविडेंस कि हार्ड वर्क और फोकस के साथ नथिंग इज इम्पॉसिबल. सो इम्पैक्ट ऑन इंडियन स्पोर्ट्स विल बी, ऑफकोर्स इट विल इंस्पायर यंग एथलीट्स, नो इट विल गिव अ वेरी वेरी बिग बूस्ट टू शूटिंग स्पोर्ट. अभी बहुत सारे बच्चे आई थिंक बहुत ज्यादा ऑप्ट करने वाले हैं शूटिंग स्पोर्ट के लिए, एंड दैट विल बी अ गुड थिंग ऑल्सो बिकॉज इट विल इंक्रीज आर नेशनल प्राइड. अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो इट विल ऑल्सो हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट. इट विल इंक्रीज द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, द पॉलिसीज विल चेंज, इन्वेस्टमेंट विल बी मोर प्राइमरीली इन द शूटिंग स्पोर्ट. पर बात यह है कि सिर्फ शूटिंग स्पोर्ट में नहीं करना चाहिए ये, अब हमको हर एक चीज में करना चाहिए, राइट. एंड मीडिया अटेंशन बहुत ज्यादा होगी, पब्लिक एंगेजमेंट काफी ज्यादा है. जिन लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसे टाइप की कोई टाइप का इवेंट होता है, बच्चे बच्चे को इसके बारे में पता चल चुका है, राइट. एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगी ना ही सिर्फ मनु बकेर और सरबजोत सिंह को, बट ऑल्सो द एंटायर कंट्री. सो ग्लोबल स्टैंडिंग एंड इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट पॉजिटिवली आर डिप्लोमैटिक एंड कल्चरल रिलेशंस, राइट. एंड फाइनली दिस इज सेटिंग अ स्टैंडर्ड कि ये भी हो सकता है. एवरी टाइम अ रिकॉर्ड इज ब्रोकन, वी आर वेटिंग फॉर अनदर वन टू बी ब्रोकन, यस. एंड सो हेंस दिस इज सेटिंग द बार हाई एंड इट इज रिक्वायर्ड इन आर कंट्री. दिस विल बी अ बीकन ऑफ इंस्पिरेशन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन्स एज वेल एज people who are not into sports, because all of us are facing challenges on an everyday basis. All of us are fighting some or the other battle on an everyday basis. Point is that if we are focused enough and we have faith in ourselves, plus we do a lot of hard work, so nothing is impossible, right? And focus on training. So with that, I wish all of the other athletes and the shooters and the wrestlers and everybody, the entire Indian contingent, all the very best for the upcoming events. काश आप और ज्यादा medals लाते रहे और हम उसके ऊपर बार बार चर्चा करते रहे. Now, before I end this particular topic, I'd like to make two very, very important announcements. पहली, हमारी Maluka IAS की सबसे बढ़िया initiative, our test series, जो कि primarily उन बच्चों के लिए है जो 2025 में प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन के लिए बैठने वाले हैं. दीस टेस्ट सीरीज आर एब्सोल्युटली इन अकॉर्डेंस विद द यूपीएससी पैटर्न, राइट, जहां पे आपको 64 टेस्ट मिलेंगे, 34 प्रीलिम्स, 30 मेंस. ना ही सिर्फ एमसीक्यूज, इसके साथ डिस्कशन भी होगी बाय आवर टॉप मेंटर्स, दोनों माध्यम में, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, व्हाटएवर यू लाइक बेटर. एंड द बेस्ट पार्ट इज that this will be given to you at a very, very affordable cost. So call on our official number today or visit any of our offline centers. And if you want, we can also give you some demo questions for you to assess these particular test series. And finally, the most favorite current affair of every UPSC aspirant, ye particular compilation, ek monthly compilation hai, monthly to the point current affairs, and Maluka IAS is giving this to you at a very, very affordable cost in both English as well as Hindi. So do not waste this opportunity and allow us to turn your dream
into a reality. Thank you very much.